नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कृषक गोष्ठी मेले का आयोजन हुआ संपन्न। हरदोई विकास खंड टोडरपुर में कृषि निवेश मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कृषि संबंधी राज्य सरकार से लाभ मिलने वाली योजना को बताया और इसी के साथ ही तिवारी ने कृषि संबंधी उपकरण और दवा किसानों को वितरित किए। सभी किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी किसान काम लेकर आता है तो उसका काम समय से किया जाए। साथ ही किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए और ब्लॉक परिसर में सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह आवास के लिए हो, शौचालय के लिए हो, पात्रता को देखकर उसका समय से लाभ पहुंचाना चाहिए। इस मौके पर शाहबाद SDM खंड विकास अधिकारी टोडरपुर, कृषि विभाग के उच्च अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख पति रामबाबू त्रिवेदी, टोडरपुर प्रधान श्यामबाबू त्रिवेदी और सभी कर्मचारी, स्टोर इंचार्ज, प्रधान प्रतिनिधि संग्राम सिंह उर्फ अनुज, सरोज मिश्रा आदि कई लोग उपस्थित रहे। रामबाबू त्रिवेदी जी, श्यामू त्रिवेदी जी, BDO टोडरपुर ओम प्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए, हमारे कई प्रधानगण प्रमोद गुप्ता जी, सरोज मिश्रा जी, गिरीश गुप्ता जी, रमेश गुप्ता जी सामने हमारे कई प्रधानगण उपस्थित हैं, हमारी कई बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। सम्मानित सभी भाइयों में बहनों, मीडिया के सम्मानित साथियों, मंच पे हमारे कुछ विशेष लोग को छूट गए। ये कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों का है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे ज्यादा संख्या हमारे किसानों की है, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, चाहे विकास कार्य हो या कोई भी योजना लानी हो, किसानों के दृष्टिगत ही योजना को लाते हैं। क्योंकि जब हमारा प्रदेश, हमारे यहाँ जब किसान खुशहाल होगा तभी प्रदेश और देश खुशहाल हो सकता है। भाइयों एवं बहनों, आपकी बड़ी संख्या ये दिखाती है कि आपकी आस्था योगी जी में है, मोदी जी में है। इतनी बड़ी संख्या पहले कभी किसी ने बहनों की नहीं देखी होगी। उसका कारण यह है, सरकारें कोई भी आई हो, वोट हमेशा उन्होंने बहनों का लिया, लेकिन बहनों के बारे में कभी किसी पार्टी ने कुछ सोचा नहीं। बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि बहनों को आत्मनिर्भर भी बनाया जाए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं शुरू हो गईं। चाहे उज्ज्वला योजना लाई गई हो, वो भी बहनों को ध्यान में रखकर के गैस सिलेंडर दिया गया। स्वयं सहायता समूह हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत बनाए गए कि हमारी बहनें मजबूत हों, बहनें हमारी आत्मनिर्भर बने। सारी योजनाएं हमारी बहनों को लेकर के बनाई गई। हमारे युवा भाई आत्मनिर्भर बने, रोजगार इनको मिले, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई। किसानों को सम्मानित करते हुए ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परमार्थ आवास न्यूज।